मंगल सूत्र यानी कि एक सुहागन के गले की शोभा बढ़ाने वाला ऐसा बेशकीमती हार जिसका हर एक मोती विश्वास के धागे से गुथा होता है। लेकिन वही हार जब सीतापुर की रहने वाली एक अभागन के गले से उतरा तो पति के पूछे उस एक सवाल के जवाब में पत्नी ने करवा चौथ के दिन अपनी हस्ती मिटा ली। सुहागन की गले की शोभा मंगल सूत्र, गले से गायब हुआ बेशकीमती हार, पति ने पूछी गायब होने की वजह, अभागन बीवी ने लिया खौफनाक फैसला, बंद कमरे के भीतर उड़ेला सनक का कैरोसिन, करवा चौथ के दिन सुहागन स्वाहा। जिस वक्त गांव की सभी महिलाएं अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना में जुटी थी तो वहीं गांव के एक कोने में हबड़ तबड़ की हालत थी। चीख पुकार सुनकर पूरा गांव उमड़ा था क्योंकि इस मकान की दहलीज से जो धुएं का गुबार उठ रहा था वहां एक परिवार की बर्बादी की कहानी शुरू हो चुकी थी जिसका अंत देखना बचा था। लेकिन जरूरत इसी बात की थी कि किसी तरह से कमरे के भीतर लगी आग पर काबू पाया जा सके। सुनकर हैरान रह जाएंगे कि स्थानीय लोगों समेत घर में रहने वाले बाकी के सदस्य इतने क्यों संजीदा थे, क्योंकि इसी कमरे के भीतर धू धू कर घर की बहुरानी पूनम जल रही थी जो आग की लपटों से घिरी खुद को बचाने का प्रयास कर रही थी। उसे एहसास नहीं था कि जो सनक की जलती तीली उसने खुद पर फेंकी है वो उड़ेले गए केरोसिन तेल को लावा में बदल देगी। किसी तरह से कोशिश की गई कि पानी डालकर पूनम को बचा लिया जाए लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आग बुझ तो गई लेकिन एक खौफनाक सच से सामना हो चुका था जहां पूनम की सांसें थम चुकी थी जिसने खुदकुशी कर ली थी। लिहाजा मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से पूनम की लाश को कमरे से बाहर निकाला फिर शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब जरा संगीन इल्जामों के फेर में फंसे पति का वो बयान सुनिए जहां उसके एक सवाल के जवाब में बीवी पूनम ने अपनी हस्ती मिटा दी। मैंने पूछा कि तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है, उसके तो पैसे हम जमा कराए, तो बोला मंगलसूत्र बकसिया में रखा हुआ है। बकसिया में के बहाने मट्टी का तेल उठा के लेके गई, बकसिया में मंगलसूत्र नहीं था। आपके और आपकी बीवी में कहा सुनी हुई थी? हाँ, क्या हुआ? कहा सुनी यही हुई थी कि सामान में मुझसे बिना पूछे क्यों रख के आई हो, एक बार मुझसे पूछना था। 14 साल पहले सीतापुर के थाना हर गांव फिरोजपुर के रहने वाले विजय की शादी पूनम से हुई थी। शादी के चंद रोज बाद मियां बीबी के बीच किसी न किसी बात पर कहासुनी शुरू हो गई। ससुराल पक्ष की चुनौतियों के आगे पूनम हार रही थी जो एक सपनों का आंगन बनाने का ख्वाब देखती थी, लेकिन पति और ससुराल पक्ष की ज्यादतियों की वजह से वो विरोध का स्वर ऊंचा नहीं कर पा रही थी। उसे लगता था कि एक दिन सब कुछ बदलेगा, उसकी किस्मत भी उसका साथ देगी, किस घर में झगड़े नहीं होते, किस घर की बहू तकलीफ से नहीं गुजरती। ये सोचकर वो अपना दिल मजबूत करती थी, खुद को भरोसा देती थी, अपने हाथों से अपने अशकों को पोंछती थी। इसी बीच पूनम एक बच्चे की माँ बनी, लेकिन माँ बनने के बाद भी पूनम की जिंदगी का रंग और भी फीका होता चला गया। इसी बीच करवा चौथ के दिन पति विजय से मंगलसूत्र को लेकर मियां बीवी में फिर से कहा सुनी हुई। पति ने मंगलसूत्र के बारे में पूछा तो पत्नी ने जवाब देने के बजाय किचन में रखे केरोसिन तेल को खुद पर उड़ेल लिया और जैसे ही धुएं का जलता गुबार उठा हर तरफ हाहाकार मच गया। आज पूनम इस दुनिया से रुखसत हो गई जहाँ परिवार का साफ कहना है कि पूनम ने खुदकुशी नहीं की बल्कि उसे मरने पर मजबूर किया गया है। ये ग्राम फिरोजपुर थाना हर गांव जनपद सीतापुर में एक विवाहिता है, 14 साल पहले शादी हुई थी, जिसकी 11 साल का बच्चा है। वो आग लगा के उसने मृत्यु कारित की है। इस संदर्भ में उसकी ननद ने एक अभियोग पंजीकृत कराया है पति और देव के खिलाफ, तो इस संदर्भ में धारा 306 IPC के तहत थाना हर गांव में अभियोग पंजीकृत किया गया है
और शीघ्र ही इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। कारण तो ये है, उसमें जो तहरीर है उसमें था कि उसको प्रताड़ित करते थे, मारते पीटते थे, और रिसेंटली अब इंक्वायरी की जा रही है कि और क्या विषय रहे। पूनम के मायका पक्ष ने पूनम के देवर और पति पर इल्जाम मढ़े हैं कि पूनम के साथ मारपीट किया जाता था, बच्चे के सामने उसे जलील किया जाता था। जहां पूनम खुद की जिंदगी को लेकर आहत थी, घुट घुट कर जीने पर विवश थी, जो चाहती थी कि वो किसी तरह से इस भंवर से निकल जाए, लेकिन जिस रिश्ते को 14 साल गुजर चुके थे, जहां बच्चा उसका 11 साल का हो चुका था, वहां पूनम को एक उम्मीद की किरण नजर आ रही थी। उसे लगता था कि उसने जिस बच्चे को जन्म दिया है, उसके बड़े होने तक वो हर सितम झेलती रहेगी। जहां बाद बच्चे की परवरिश का था कि मासूम बच्चे का फिर कौन होगा, लेकिन पूनम गलत साबित हुई। उसकी सोच दगा दे गई जब मंगलसूत्र को लेकर उसने खुद की जिंदगी मिटाने की ठानी और आग लगाकर करवा चौथ के दिन ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। और आज पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पति समेत ससुराल पक्ष के खिलाफ केस दर्ज है, जहां पुलिस दावा कर रही है कि सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मोहम्मद रिजवान, सीतापुर समाचार। हर पत्नी की यही चाहत होती है कि उसका सुहाग उसे किसी भी कीमत पर मायूस ना करे, लेकिन जुआरी पति की आदतों से बीवी परेशान हुई तो घर बार छोड़कर मायके रहने पर मजबूर हुई। जब बीवी के जाने से तनाव में आए पति ने अपनी मां को ही जिम्मेदार माना, बुजुर्ग मां को पीट कर मार डाला। नाम धर्मदास, बाशिंदा फतेहपुर का थाना कल्याणपुर इलाका, पेशे से बेरोजगार, इल्जाम मर्डर। सुनकर हैरान रह जाएंगे तस्वीर में दिख रहे धर्मदास की खूनी कहानी सुनकर कि धर्मदास ने जिस रिश्ते की बलि चढ़ाई वो रिश्ता दूर का नहीं था, बल्कि खून से भी कहीं ज्यादा गहरा था। आज धर्मदास के सिर पर उस 70 साल की बुजुर्ग माँ के खून का इल्जाम लगा है। जहाँ औलाद की ख्वाहिश रखने वालों का सिर शर्म से झुका है, हर जहन यही पूछ रहा है कि नाम से धर्मदास ने अधर्म की खूनी कहानी कैसे और क्यों अपने ही हाथों से लिखी। क्या जिस माँ ने धर्मदास की परवरिश की, उसकी परवरिश में कोई कमी रह गई? क्या उसने बाकी बच्चों से कम धर्मदास को स्नेह दिया? यकीनन नहीं, ऐसी कोई खता नहीं थी धर्मदास की माँ की जो उसे ऐसी सजा मिली। मलाल तो धर्मदास को इस बात का था कि कैसे उसकी माँ के सामने उसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई। बस यह थी जहाँ सन की धर्मदास के मकसद को कोई भांप न सका। नफरत से भरे धर्मदास ने लाठी से पीट पीट कर अपनी माँ की जान ले ली, और जब तक घर वालों ने धर्मदास को रोकने की कोशिश की तब तक वो अपनी खूनी प्यास बुझा चुका था। माँ की रगों में बहते लहू का कतरा कतरा पानी की तरह जमीन पर फैला चुका था। तो हमारी माँ नहाने जा रही थी, हमारी लड़की ने एक बाल्टी पानी रख दिया था नहाने के लिए, और लड़की जो है नहाने जा रही थी, घर में नहाने जा रही थी, तो इतने में हमारा भाई जो है माँ को जो है डंडे से मार दिया कनपटी में और सिर पर बदल दिया, तो तुरंत मुझसे खून डाला खत्म हो गया। वो जो है जुआ लाटरी खेलता था बहुत पहले, तो औरत उसकी आ नहीं रही थी, वो उसकी उसकी टेंशन थी इस बात की, और बाकी वो पागल आगल नहीं था, क्योंकि वो लोन लोन लो सब कुछ करवा लेता है, पागल आदमी लोन नहीं करा पाता। तभी माँ को मारा। हाँ। धर्मदास पढ़ा लिखा नहीं था, ना ही कोई नौकरी करता था। बेरोजगार धर्मदास शादीशुदा होने के बाद भी अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझता था। बीवी बच्चों को परेशान करना उसका शगल बन चुका था, जो आर्थिक हालात खराब होने के बाद परिवार पर रौब गालिब किया करता था। जुआ का आदती धर्मदास अक्सर शराब के नशे में परिवार पर जुल्म ढाता, जिससे आजीज आ चुकी बीवी ने घर बार छोड़ना ही बेहतर समझा, क्योंकि बच्चों की परवरिश को लेकर पति संजीदा नहीं था। लेकिन बीवी के मायके जाने को लेकर धर्मदास काफी तनाव में था, जिसे ये बात काफी दिनों से परेशान कर रही थी कि क्यों उसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई, जबकि वजह से धर्मदास अनजान नहीं था। अगर धर्मदास अपनी मनमानियों से बाज आ गया होता तो ये नौबत ही नहीं आती, लेकिन इन सब के बीच
धर्मदास अपनी माँ को दोषी मानता था कि उसकी माँ ने कोशिश की होती तो धर्मदास की बीवी उसके पास होती। यही वजह रही कि तनाव में आ चुके धर्मदास ने अपनी माँ को मौत के घाट उतारने की ठानी। उस माँ का वजूद मिटा दिया जिसने बेटे धर्मदास की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, लेकिन कलयुगी बेटे ने माँ की परवरिश का खूनी सिला दिया। मगर पुलिस ने जब धर्मदास को अरेस्ट किया तो उसने पुलिस के सामने ऐसा ड्रामा किया कि पुलिस उसे मानसिक रोगी मानने लगी। लक्ष्मणपुर गांव है कल्याणपुर का, वहाँ एक यादव परिवार में एक धर्मदास नाम है उसका, उसने अपने 70 वर्षीय माँ की दंडित मार के हत्या कर दी। बिल्कुल मानसिक रूप से विक्षिप्त है, उससे जो भी पूछिए तो केवल एक ही शब्द बताता है कि वो 90 साल थी, 75 साल थी, क्यों मारा कुछ नहीं। अब उसको देखेंगे बिल्कुल मेंटली है, पूरा उसका परिवार उसके गांव वाले सब कर रहे हैं साहब ये बिल्कुल मेंटल रूप से है, डिस्टर्ब है, बीवी बच्चे उसके भागे हुए हैं इसी वजह से, और आज वो सनकी टाइप पे है। उसने डंडे से 2 डंडा सर मारा और 75 साल की जो उसकी माँ थी पान इस पाटे से ही अरेस्ट हो गया है वो, और आगे कार्रवाई की जा रही है। पुलिस मान चुकी है कि कातिल बेटा धर्मदास मानसिक तौर पर बीमार है, क्योंकि जिस तरह से पुलिसिया पूछताछ में धर्मदास ने एक बालिया गुनाह कबूल करने की कोशिश की, वहां हत्या की वजह साफ नहीं हुई। बार बार की पूछताछ में भी धर्मदास अपनी मां की उम्र का हवाला देता रहा, लेकिन सच तो ये भी है कि धर्मदास ने अपनी उस मां का वजूद मिटा दिया जो उम्र के उस पड़ाव पर थी जिन्हें मदद की दरकार थी, उस बुढ़ापे की लाठी की दरकार थी जो थी तो उनके पास, लेकिन उनकी बुढ़ापे की लाठी उन पर टूटेगी इस बात का ख्याल किसी को नहीं था। आज कातिल बेटा पुलिस गिरफ्त में है जिसे सलाखों के पीछे भेज दिया गया, लेकिन फैसला कोर्ट में होगा कि पुलिस जिसे मानसिक रोगी करार दे चुकी है उसके खिलाफ क्या सजा मुकर्रर होती है ये अदालत को तय करना है। लेकिन यही है औलाद का सुख तो भगवान बचाए ऐसे बेटे से जिसने इस बात की तस्दीक कर दी कि धर्मदास कलयुग का धर्मी बेटा है। अवनीश सिंह चौहान, फतेहपुर, समाचार प्लस। मासूम की मर्डर मिस्ट्री। मिट्टी में सना मासूम परिवार की नजरों के सामने खेल रहा था, लेकिन ना जाने किसकी नजर लगी, रहस्यमय परिस्थितियों में मासूम गायब हो गया। परिवार की परेशानी लाजमी थी कि उनका लखते जिगर कहां चला गया है, तलाश जारी थी, शायद बच्चा कहीं खेलते हुए भटक गया होगा। लेकिन जब परिवार की तलाश खत्म हुई तो मासूम जिंदा नहीं बल्कि कूड़े के ढेर में पड़ी उसकी लाश मिली। ग्रेटर नोएडा की कोतवाली दनकौर गांव मुतैना का रहने वाला 4 साल का प्रिंस अपने परिवार का लखते जिगर, उनकी आंखों का तारा, उनकी मुस्कुराहट 18 अक्टूबर 2016 की सुबह घर की दहलीज से अचानक लापता हो गया। जो मासूम आंखों के सामने मिट्टी से सना खेलने में मसरूफ था वो इस तरह से गायब हो जाएगा किसी को इस बात का इल्म नहीं था। बेबस परिवार की परेशानी लाजमी थी कि जो बच्चा घर की चौखट छोड़कर कहीं जाता नहीं था वो आखिर गया तो गया कहां। बच्चे की तलाश में दर दर भटकता परिवार पूरे गांव की खाक छानने पर मजबूर हुआ। हर किसी को यही लग रहा था कि बच्चा खेलते कूदते हुए कहीं किसी साथी के साथ रास्ता भटक गया होगा, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजर रहा था वैसे वैसे परिवार की परेशानी बढ़ रही थी। अनहोनी की जद से घिरा परिवार डर के साए में जी रहा था। शाम ढलते ही परिवार को बेटे की फिक्र सताने लगी कि कहीं बेटा किसी मुसीबत में तो नहीं फंसा। थक हार कर बेसब्र परिवार ने स्थानीय पुलिस से शिकायत की तो पुलिस ने भी गांव में खोजबीन की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लिहाजा पुलिस ने गुमशुदगी की तहरीर को अपहरण में तब्दील कर दिया। रात भर पुलिस ने गांव में डेरा जमा लिया कि शायद किसी ने बच्चे का अपहरण किया है तो फिरौती की रकम के लिए फोन से संपर्क जरूर करेगा, लेकिन ऐसा होता तो ये परिवार इस तरह से बेसुध ना हो रहा होता। बेसब्री की रात ढली,
तो पुलिस ने इस खंडहर का रुख किया, जहां पुलिस ने एक ताजा खुदा हुआ गड्ढा देखा और करीब खून के कुछ निशान देखे और उसी खंडहर से सटे कूड़े के ढेर में बच्चे की लाश पड़ी मिली, जिसकी खबर फैली तो मासूम की मां की चीख निकल गई। कल करीबन 10:30-11 बजे के करीब बच्चा गायब होने की खबर घर वालों को मिली थी। गांव में घूमने के बाद पता चला कि बच्चा गांव में नहीं है। फिर कंप्लेंट दर्ज करी थी? कंप्लेंट दर्ज, हाँ, दनकौर थाने में। पुलिस आई थी? जी सर। आज क्या बनाना, कैसे पता आज चला? पुलिस तो शायद रात रही है। आज सर करीबन ऐसा 11:30 बजे के करीब पुलिस ने फिर से गाँव में छानबीन करी, घर के पीछे ही डेड बॉडी मिली सर। किस हालत में डेड बॉडी? डेड बॉडी मतलब फांसी लगी हुई थी बच्चे की। तो कुछ तंत्र मंत्र का कुछ? हाँ सर, उसके थोड़ा सिंदूर और हल्दी वगैरह ये भी लग रही थी सर, उसके थोड़ा जल भी रहा था, हाथ में चूड़ी वगैरह भी पहन रही। प्रिंस की बेवक्त मौत की खबर मिलते ही माँ बेसुध होकर गिर गई, जिसे होश में लाने के लिए पानी का सहारा लिया जा रहा है। हर जहन पर सदमा हावी है। आज इस माँ का रो रो कर हाल बेहाल है, जो अपने लाडले को देखने के लिए बेसब्र है, एक बार कोई उसके बेटे से मिला दे। लेकिन इस माँ की ख्वाहिश नहीं पूरी की जा सकती। जो बेटा इसकी ममता की छांव में वक्त गुजारा करता था, वो सफेद कफन से लिपट चुका है, जहाँ से वो ना तो अपनी माँ को पुकार सकता है, ना ही अपनी माँ की बाहों से लिपट सकता है। पूरा परिवार गम की आगोश में लिपटा रोने पर मजबूर है। हर कोई छाती पीट पीट कर अपनी बदकिस्मती को कोस रहा है, उस घड़ी को दोषी ठहरा रहा है जिस पल मौत की आहट से अनजान प्रिंस घर की दहलीज से बाहर खेलने निकला हुआ था। 9 बजे के करीब बच्चा लापता हुआ था। क्या कर रहा था बच्चा? खेल रहा था यहाँ पर और बच्चों के साथ। आज किस हालत में उसकी? आज उसको रात भर गांव बस्ती वालों ने सबने ढूंढा, उसको कहीं नहीं मिला। पुलिस फोर्स भी साथ थी, पुलिस भी यहाँ पर रात भी रही है, उन्होंने पूरी मदद की है हम लोगों की, लेकिन बच्चा रात नहीं मिला। आज कैसे पता लगा? क्या आज तो ये पुलिस यहाँ पर, पुलिस ने बरामद किया इसको। क्या लग रहा है? आपने बच्चे का सब देखा हुआ, क्या सब देखा लग रहा है? सब देखने के बाद यही कि उसको पीछे फेंका गया, किस तरीका से उसकी मौत हुई है इस बात को हमने कैसे। कूड़े के ढेर में पड़े प्रिंस की लाश को जब पुलिस ने कब्जे में लिया था, उस पल प्रिंस के नाजुक शरीर पर कई बेरहम घाव किए गए थे। प्रिंस के माथे पर सिंदूर का टीका लगा हुआ था, हाथ में कंगन पड़े थे, जो इसी बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि हो ना हो इलाके के किसी तांत्रिक ने अपनी सिद्धि के लिए मासूम को अपना शिकार बनाया। सवाल तो कई थे जिनके जवाब तलाशे जाने बाकी थे, लेकिन पुख्ता तौर पर कोई ये समझ नहीं पा रहा था किस निर्मम हत्या के पीछे गाँव के रहने वाली ये महिला होगी, जिसे शक के बिना पर अरेस्ट किया गया, कड़ाई से पूछताछ की गई, जिससे पुलिस को कोई ठोस क्लू हाथ लग सके कि क्या पुलिस ने जिसे अरेस्ट किया वही महिला खूनी खेल की सूत्रधार है, या फिर इस वारदात के पीछे रंजिश है। तंत्र मंत्र तो महज एक दिखावा है। या देखो जी, पड़ोसी ने पता होगी। अच्छा, मैं ना कह सकूं, सुनी हमने 8-9 बजे गया शाम को। नो, सुबह सुबह तो यही खेल रहा था यहाँ से? वही बताया, यही खेल। कितने साल का बच्चा था? साल का बच्चा था क्या? 5वीं में चालू है, 4 साल का। आज कहाँ मिली इसकी डेड बॉडी? किस हालत में? यहाँ मिली जी, पीछे इनके घर के पीछे पड़ी पाई लाश। तो क्या लग रहा है मौत के पीछे क्या कारण है? कुछ तांत्रिक वांत्रिक कुछ इस तरह का बात सामने आई है क्या? ना, मैंने ना देखा भाई, ये बालक ने देखा, नहीं पता। तंत्र मंत्र या फिर रंजिश, पुलिस कई एंगल पर इस केस की नब्ज टटोलने में लगी है। आरोपी महिला से पूछताछ कर रही है, जो लगातार एक ही बात पर जोर दे रही है कि वो बेकसूर है, लेकिन पुलिस का दावा कि वो जल्द से जल्द इस खूनी खेल का खुलासा कर देगी, किस परिवार की दुनिया उजाड़ने वाला कौन है वो खूनी जिसने मासूम बच्चे को इतनी बेकदरी से मौत के घाट उतारा। भला मासूम की क्या खता थी? यही ना कि वो किसी के पास बगैरस चला जाता था। अगर उसकी यही भूल थी तो उसकी मासूमियत की ऐसी खौफनाक सजा क्यों? कल प्रिंस पुत्र धर्मेंद्र निवासी मुतैना 4 साल का बच्चा 10 बजे 10:30 बजे अपने घर से खेलते हुए गायब हुआ।
आज उसका हमने मुकदमा कायम कराया था। आज हमको कुछ क्ल्यू मिले कि बच्चा गांव में ही हो सकता है, तो हमने किसी घर एक घर की तलाशी ली, तो उस घर में हमको उसकी लाश मिल गई और उसकी हत्या करके लाश को फेंका गया था। किन कारणों से हत्या की गई है? कुछ कारणों की तो अभी जाँच कर रहे हैं उसकी हम। गांव वालों परिजनों का आरोप है कि कुछ तंत्र मंत्र किया है उसकी वजह से हत्या की गई है। हाँ, गांव वालों जो कुछ कह रहे हैं, लेकिन हम लोग भी जांच कर रहे हैं, जांच में जो सत्य है। एक घर में गड्ढा खोद के बच्चे का शव दबाने की कोशिश, क्या सत्य है? हाँ, जिन्होंने मारा था उसमें ये कोशिश की है उन्होंने कि बच्चे को दफना दिया जाए, यहीं पर उस लाश का पता न लगे। अगर अंधविश्वास से प्रेरित होकर मासूम की हत्या की गई है तो ऐसी खूनी चेहरे से फरेब का नकाब हटाना ही चाहिए, क्योंकि तंत्र मंत्र झाड़ फूक अंधविश्वास की वो खाई है जिसमें गोते लगाने वाला ना तो अपना सगा देखता है ना ही पराया, बस सिद्धि पाने के लिए किसी ना किसी मासूम का सहारा लेता है, लेकिन बदले में उस परिवार को जिंदगी भर के लिए एक जख्म मिलता है जिस पर किसी तरह से कोई भी मरहम काम नहीं करता। अकरम खान, ग्रेटर नोएडा, समाचार।